बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बच्चों जेकर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजावां नूं भिन्न भिन्न बिंदुओं से कटती हुई एक रेखा खिंची जाए तो बाकी दो भुजावां एक ही अनुपात में वंडिया जांदियां हन। आओ इस नूं प्रूव करके देखिए। सानू एक त्रिभुज ए बी सी दिती हुई है जिस विच भुजा बी सी दे समांतर खिंची गई रेखा बाकी दो भुजावां ए बी अते ए सी नूं क्रमवार डी अते ई उत्ते कटदी है। बच्चो असी और सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। इस थ्योरम नूं सिद्ध करन लई असी कुछ रचनावां करदे हाँ। असी की करदे हाँ, बी अते ई नूं मिलांदे हाँ, एक सी अते डी नूं मिलांदे हाँ, डी एम लंब ए सी अते ई एन लंब ए बी खिंचदे हाँ। हुण असी सिद्ध करना है कि साडियां जिहड़ियां भुजावां हन उह समान अनुपात विच वंडियां जांदियां हन। तां बच्चो असी हुण त्रिभुज ए डी ई अते त्रिभुज डी बी ई लैंदे हाँ। तां इस दे विच असी लिखदे हाँ खेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे खेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर है। सानू पता है त्रिभुज दा जिहड़ा खेत्रफल है वह एक बटे दो आधार गुणा शिखर लंब हुंदा है। इसलिए साडे कोल त्रिभुज ए डी ई दा जिहड़ा खेत्रफल है एक बटे दो ए डी गुणा ई एन है। अते इस तरह त्रिभुज बी डी ई दा जिहड़ा खेत्रफल है एक बटे दो डी बी गुणा ई एन है। तो साडे कोल आ जाता है ए डी बटे डी बी। ये साडे कोल समीकरण एक है। इस तरह त्रिभुज ए डी ई अते त्रिभुज बी ई सी विच एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज डी ई सी बराबर है एक बटे दो ए ई गुणा डी एम बटे एक बटे दो ई सी गुणा डी एम। तो सानू प्राप्त होंदा है ए ई बटे ई सी। ये समीकरण साडे कोल दो है। बच्चों हुण अगर असी देखिए त्रिभुज बी डी ई अते त्रिभुज डी ई सी नूं ए इक्को आधार अते दो समानांतर रेखावां बी सी अते डी ई दे समानांतर बनिया होईयां हन। तां इस दा मतलब साडे कोल इन्हां दोनां त्रिभुजां दे जिहड़े खेत्रफल हन ए की होणगे बराबर, क्योंकि दो समानांतर भुजावां दे विचकार इक्को आधार ते बनियां त्रिभुजां दे खेत्रफल की हुंदे हन समान हुंदे हन। जेकर इन्हां दे खेत्रफल समान हो गए तां समीकरण एक अते दो तों असीं कह सकदे हाँ कि साडे जिहड़े खब्बे पासे हन उह बराबर हन, इस लई सज्जे पासे भी की होणगे बराबर होणगे। इस लई ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। ये साडी थ्यूरम दा जिहड़ा सी प्रूफ सी।